ओके सो लेट्स सी व्हाट इज दिस पैरालैक्स मेथड। तो ये जो मेथड है पैरालैक्स मेथड, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू मेजर इंटरस्टेलर डिस्टेंस। इंटरस्टेलर मतलब क्या हो गया, तो इंटरस्टेलर का मतलब होता है यूनिवर्स में जितने डिस्टेंसेस हैं। जैसे सपोज अर्थ से हमें एक स्टार को मेजर करना है, तब क्या टेक्निक यूज करेंगे, हम ट्रैवल तो नहीं कर सकते उस स्टार तक, ठीक है, या हम अपना मेजरिंग टेप लेके तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल यूज दिस मेथड ऑफ पैरेलैक्स मेथड, बेसिकली वी विल यूज हियर फॉर मेजरिंग these in big distances, ठीक है। अर्थ में तो ठीक है, अर्थ में हम उन चीजों को कर सकते हैं, बट जब यूनिवर्स में या किसी स्टार को हमें मेजर करना है, तब हम ये वाला मेथड आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप सपोज एक रोड में जा रहे हो, ठीक है, आप एक रोड में जा रहे हो, तो एक रोड आपकी कुछ इस तरह से है, आपका पोजिशन यहाँ पर है, तो आपका जो पोजीशन है वो लेट से यहाँ पर है कहीं, तो आप किसी गाड़ी में बैठे हो और आपका पोजीशन मान लो ये है, ठीक है। अब जब आप रोड से बाहर देखते हो तो आपको लेट से रोड के बहुत पास एक ट्री दिखाई देता है, रोड के बहुत पास एक ट्री दिखाई देता है, दिस इज सम ट्री पास में रोड के, करेक्ट, दिस ट्री इज वेरी क्लोज टू द रोड, और आपको रोड के बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर, लेट्स से इतना दूर ले लेते हैं हम लोग, एक हिल दिखाई देता है, ठीक है, एक हिल दिखाई देता है, ठीक, और जिसके ऊपर मान लो कोई तो फ्लैग लगा हुआ है, इस फ्लैग को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो लेट्स से पहले तो आपका जब आपका पोजीशन यहाँ पर था, तो लेट्स अज्यूम आपका पोजीशन अभी यहाँ पर है, ओके, आप इस ट्री को ऑब्जर्व करते हो, तो देखो जब आप इस ट्री को ऑब्जर्व करोगे, तो अभी हम इस ट्री को ऑब्जर्व करेंगे इस हिल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज, किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट, तो हमें पता चल जाता है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से हम इस ट्री को ऑब्जर्व करा हमने यहां से, तो इसका आपका लाइन ऑफ साइट इसका ऐसा आएगा, और जब आप इस टेम्पल को इस हिल का ये फ्लैग को ऑब्जर्व करोगे, तो दिस फ्लैग विल लुक ऑलमोस्ट लाइक दिस, ठीक है, ओके। चलो अब आपका पोजीशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, अब आप बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग, तो आपका पोजीशन जो है वो चेंज हो गया मान लो, तो अभी मान लो आपका पोजीशन लेट्स से यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब जब आप ऑब्जर्व करोगे तो इस ट्री को यहां से, तो देखो आपका लाइन ऑफ साइट तो ऐसा रहने वाला है, और इस फ्लैग को जब आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो देखो इस फ्लैग के रिस्पेक्ट में आपका एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अगर आप, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लैग पोस्ट आपका ये जो लाइन ऑफ साइट है वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो अगर हमें पैरेलैक्स को डिफाइन करना है, तो व्हाट वी कैन से इज इट्स लाइक अपेरेंट चेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो वी कैन से इट इज बेसिकली अपेरेंट चेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। देखो अपना लाइन ऑफ साइट जब वो चेंज हो गया ना, पहले अपना लाइन ऑफ साइट ऐसा था, अभी अपना लाइन ऑफ साइट ऐसा हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लैग पोस्ट, करेक्ट, ठीक है।
तो नाउ लेट सी, अभी हमें क्या करना है, एक बहुत ही डिस्टेंट स्टार को मेजर करना है, ठीक है, हमें एक बहुत ही डिस्टेंट स्टार को मेजर करना है। तो अपने देखो अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है सन के अबाउट, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सन, ये अपना अर्थ का ऑर्बिट अज्यूम करो, ठीक है, और ओके लेट मी टेक अ लिटिल सर्कुलर ऑर्बिट, हम यहाँ पे थोड़ा अज्यूम करेंगे अपना ऑर्बिट सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर नहीं रहता बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे अपना जो अर्थ का ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, और सन मान लो एकदम सेंटर पे है, ठीक है, तो सन अभी समझो यहाँ पर है, एक्चुअली डिस्टेंसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा इफ आई अज्यूम इट्स अ सर्कुलर ऑर्बिट इट वोंट मेक मच एरर आल्सो इन माय कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो अर्थ का मान लो पोजीशन यहाँ पर है, तो अभी समझो अर्थ आपका यहाँ पर है कहीं, तो ठीक है अर्थ इज हियर। अब देखो सन सन सनलाइट कैसे पड़ रही है अर्थ पर, और पहले अपने स्टार का भी पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। तो अब मान लो मेरा जो स्टार है ना वो ऑलमोस्ट कहीं, तो लेट मी टेक इट लाइक दैट, बहुत दूर है, मान लो स्टार मेरा कहीं तो यहाँ पर है, ठीक है, स्टार मेरा यहाँ पर है, दिस इज स्टार जिसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना, हाँ, सन सन रेस कैसे पड़ रही होंगी अर्थ पे, अर्थ पे सन रेस कुछ इस तरह से पड़ रही होगी ना, करेक्ट है ना, सन पे अर्थ रे कुछ इस प्रकार से पड़ रही होगी, ठीक है। और अब जैसे मतलब अगर मैं इफ आई जस्ट ट्राई टू टेल यू कि ये वाला जो पार्ट है देखो अपना, इतना पार्ट अभी यहाँ पे डे होगा, इतने पार्ट में नाइट होगा, करेक्ट। और अभी आपको क्या करना है, एक बहुत इससे भी एक और डिस्टेंट स्टार को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर्स। तो अभी आपको यहाँ पे एक इससे भी डिस्टेंट स्टार को ऑब्जर्व, जो बहुत ही दूर है कहीं, तो और बहुत दूर है कहीं, तो ऐसे समवेयर वेरी डिस्टेंट, करेक्ट, नाइट स्काई तो बहुत ही बड़ा होता है, नाइट स्काई के रिस्पेक्ट में आप इस स्टार को ऑब्जर्व करो, ये जो स्टार में ऑब्जर्व करो पिंक लाइन से, ये बहुत ही दूर है, ठीक है। और अब आप इस स्टार को यहां से ऑब्जर्व करो, ठीक है, अभी आप इस स्टार को यहां से ऑब्जर्व करो अर्थ की इस पोजीशन से, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको एंगल देखना, बट इन इन जनरल दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे कुछ एंगल, ये एंगल यहाँ पे मान लो ये एंगल थीटा बना, ठीक है, और ये एंगल, अभी ये एंगल थीटा बना, ठीक। तो अब सपोज ये वाला, ये विच टाइम ऑफ द ईयर इट वॉज, लेट्स से इट वॉज जनवरी, यहाँ ये अर्थ का पोजीशन जनवरी में था। अब बराबर से 6 महीने के बाद, करेक्ट, बराबर से 6 महीने, तो जनवरी से 6 महीने क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून, करेक्ट। तो जून में आपका अर्थ का पोजीशन मालूम है कहां पर होगा, जून में आपका अर्थ का पोजीशन कुछ तो एकदम इसके डायमेट्रिकल ऑपोजिट पर, डायमेट्रिकली ऑपोजिट होगा अर्थ डायमेट्रिकली ऑपोजिट अर्थ पोजिशन, ठीक है, ठीक। तो अब अर्थ इज समवेयर हियर डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तो अभी मान लो अर्थ अभी यहां पर है, नॉट द पोजिशन ऑफ अर्थ। और अब जब आप जब आप इस स्टार को ऑब्जर्व करोगे, करेक्ट, तब देखो सनलाइट कैसे हुई, सन जो है सन विल इल्यूमिनेट दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, करेक्ट। और आपको भी कैसे देखना है, आपको अभी टू अगेन लुक लाइक दिस, बहुत ही कोई एक कोई डिस्टेंट स्टार को फिक्स कर लो, जनरली हम आई थिंक पोल स्टार को फिक्स कर सकते हैं।
डिस्टेंट स्टार है उसको फिक्स कर लो. ऐसा बोला जाता है पोल स्टार का पोजीशन चेंज नहीं होता है, बट इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. आप और भी कोई स्टार को भी फिक्स कर सकते हो. ठीक है, ओके. तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं इसको, हाँ तो अब अगर मैं इस स्टार को अभी ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, तो अभी कैसे इसको, अभी मेरा कैसा हो जाएगा, दिस विल लुक समथिंग हियर लाइक दैट. ठीक है, एंड अभी देखो, अभी जो एंगल है, अभी एंगल कितना हो जाएगा, अगेन दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. ठीक है, करेक्ट. सो अब आप इस साइड को बोल सकते, दिस इज अगेन थीटा. दिस पोजीशन विल बी ऑफ जूम. ठीक है, तब देखो साइड बदल जाएगी फिर. यस यस, हाँ साइड बदल जाएगी. ठीक है, तो ये फिर आपको ये जो वाला जो मेजरमेंट है आप 6 महीने बाद ही कर सकते हो. करेक्ट, अभी हमें पता है ये कितना, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, और देखो ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. करेक्ट, तो टोटल जो 2 थीटा ये जो एंगल है, आई मीन ये जो 2 थीटा एंगल है, ये कितना आर्क सबस्टेंड कर रहा है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क हम ऐसा बोल सकते हैं ये सबस्टेंड कर रहा है. ठीक, अब आप बोलोगे सर ये आर्क तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन है. करेक्ट, बट आप इसको ऐसे ऐसे सोच के देखो, ये जो स्टार है ना बहुत दूर है, स्टार इज आई मीन क्वाइट फार अवे. करेक्ट, और आप जब भी सर्कल बनाते हो, जैसे लेट मी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल. अब अगर आपने मान लो एक सर्किल बनाया और उसने बहुत छोटा सा पार्ट लिया सर्किल में, तो इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूँ. तो अगर मान लो मैंने एक छोटा सा सर्किल में पार्ट लिया, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन और नॉट. एक छोटा सा पार्ट ले लो सर्किल में, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन और नॉट करके देखो आप. मैं स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करो, मैं सर्किल नहीं ड्रॉ करो, मैं मेरा हाथ जो है स्ट्रेट लाइन के पैटर्न में चल रहा है. ठीक है, तो इस सर्किल में बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप एक छोटे से पार्ट को स्ट्रेट लाइन की तरफ कवर करते हो, इट आई मीन आई कैन जस्ट अज्यूम ये जो सर्किल, इट इज इनफैक्ट मेड अप ऑफ अ पॉलीगन जिसकी इनफाइनाइट साइड्स हैं. करेक्ट, यही होता है ना सर्किल. ठीक है, तो हियर वी हैव बेसिकली अज्यूम दिस स्टार इज एट अ वेरी फार पोजिशन, एंड ये जैन से जून तक का जो लेंथ है, विच इज बेसिकली 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज ऑलमोस्ट दिस बेसिकली पार्ट ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल. करेक्ट, अभी हमने रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देखा था. करेक्ट, व्हाट वाज रेडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एस इज इक्वल टू आर थीटा. एस इज इक्वल टू आर थीटा ना. करेक्ट, यहाँ पे एस अपना क्या है, एस इज व्हाट, एस इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. करेक्ट, थीटा हमने ऑलरेडी मेजर कर लिया है. ठीक है ना, तो ये जो आर है अपना, बेसिकली ये जो आर है अपना, तो ये जो अपना आर है, कहाँ गया अपना आर, या हाँ ये जो अपना आर है, इस आर को हमें मेजर करना है. ये आर और ये वाला जो आर है, ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा अभी, because I told you this is almost like an arc of a circle. तो ये और ये आर ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है. और हमें s मालूम चल गया, अभी s कितना है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. s is 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो अभी यहाँ पर आप s का वैल्यू आप लिख सकते हो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आप लिख सकते हो. थीटा आपने मेजर कर लिया है. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू r. तो इस तरह से आप एक डिस्टेंस मेजर कर सकते. इनफैक्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस मेथड, ये बहुत ही ओल्ड मेथड है. इनफैक्ट ग्रीक्स यूज्ड टू मेजर डिस्टेंसेस यूजिंग दिस पैरेलैक्स मेथड. और एक बहुत ही सिंपल टेक्निक से हम एक बहुत ही डिस्टेंट स्टार को मेजर कर रहे हैं. समझ में आया ये? तो यहाँ पे बेसिकली एक मुझसे एरर हो गया. व्हाट इज दैट एरर? तो अगर आप एस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते तो आपको थीटा, फिर you have to take 2 theta angle. तो यहाँ पर अगर आप 2 astronomical unit लेते हो तो angle आपको 2 theta लेना पड़ेगा. ठीक है,
अल्टीमेटली दिस ये जो आर है आपका, आर विल बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन थीटा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया शायद से। तो देखो जैन में जब आप स्टार को देखोगे ना, तो मान लो लेट से अपना अपना ये तारामंडल है, ठीक है, अपना नाइट स्काई का तारामंडल है, ठीक है, थोड़ा टाइम ठीक है इसको रहने दो। ओके, तो अभी सन आपका कहाँ पर है? सन आपका यहाँ पर है, या मान लो आपका आपकी अर्थ का पोजीशन यहाँ पर है कहीं तो, और लेट से ठीक है चलो, तारे तारामंडल में आपने कई सारे स्टार्स होंगे ना यहाँ पे, तो कई सारे स्टार्स होंगे, सो मेनी स्टार्स इन दिस, ठीक है, नाइट स्काई इज फुल ऑफ सो मेनी स्टार्स। तो मान लो आपने इस वाले स्टार को ऑब्जर्व किया था, ये देख रहे हो ये स्टार, इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ। तो अभी आपने पहले इस वाले स्टार को लेट्स ऑब्जर्व किया था, इसको मैंने रेड कर दिया जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आप यहाँ पर थे कहीं तो, और लेट्स से जो लेट्स से जैन में आपने ऑब्जर्व किया, तो ये जैन का पोजिशन था, ठीक है। और जब आप जून में ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे स्लाइटली नहीं यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो गए स्टार, ठीक है। तो जैन में देखो इसका पोजीशन कैसा है, और जून में कैसा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अपना बैकग्राउंड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया था, आप कोई किसी कार से जा रहे हो, आपको पीछे का हिल के रिस्पेक्ट में जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, करेक्ट, हिल के ऑब्जर्व में जब आप ट्री को ऑब्जर्व करोगे, तो व्हाट विल हैपन, ट्री का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, समथिंग वेरी सिमिलर इज हैपनिंग हियर आल्सो, इफ यू कैन कनेक्ट इट टू दैट। तो नाउ लेट्स सी दिस एक यूनिट है अपनी, बहुत इंटरेस्टिंग सी यूनिट है, विच इज पार्सेक। पार्सेक आप लोगों ने सुना है पहले पार्सेक का नाम कभी भी? हैव यू हर्ड ऑफ दिस यूनिट पार्सेक, क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा भी है पार्सेक। तो हैव यू हर्ड ऑफ दिस यूनिट पार्सेक? पार्सेक क्या होता है? देखो मैंने आपको ये बताया था, इनफैक्ट डिग्री वाला जो अपना अपना ये सिस्टम रहता है 1 डिग्री, तो ऐसा अगर हम एक डिग्री को, तो एक डिग्री मैंने आपको बताया एक 90 डिग्री एंगल को, एक राइट एंगल को, इनफैक्ट एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक पार्ट ले लो दैट इज 1 डिग्री। तो एक डिग्री में, एक डिग्री को अगर हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका एक पार्ट ले लेते हैं, तो दैट इज 1 मिनट। तो ये आपका घड़ी वाला मिनट और सेकंड अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन। यहाँ पे मिनट और सेकंड मतलब एंगल से है मेरा, यहाँ पे यहाँ से मेरा टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और 1 मिनट को अगर मैं और 60 पार्ट में डिवाइड कर दूं, दैट इज 1 सेकेंड। तो डिग्री का देखो, 1 डिग्री अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1 मिनट अगर मुझे लिखना है तो मैं 1 मिनट को ऐसे लिखूंगा, और 1 सेकेंड को अगर मुझे लिखना है तो 1 सेकेंड को मैं ऐसे लिखूंगा। सो दिस इज फॉर अनोटेशन फॉर डिग्री, दिस इज अनोटेशन फॉर अ मिनट, एंड दिस इज अनोटेशन फॉर अ सेकेंड, ठीक है, समझाइए। सो 1 डिग्री है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट है 60 सेकेंड, सो प्लीज करेक्ट इट, ठीक है। तो ये अब तो आप सोच के देखो, अगर मैंने 1 डिग्री को, 1 डिग्री कितना छोटा होता है आपके प्रोट्रैक्टर में, आप मेजर कर सकते हो 1 डिग्री को, करेक्ट, उसको भी अगर आपने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो सोचो वो 1 मिनट जो है वो कितना छोटा यूनिट होगा एक एंगल मेजरमेंट का। और फिर फर्दर आप 1 मिनट को और 60 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 1 मिनट, 1 सेकेंड जो होगा वो सोच के देखो अब कितना छोटा एंगल होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो सेकेंड बेसिकली यहाँ पे जो ये सेकेंड का टर्म आ रहा है, ये सेकेंड से आ रहा है, ये सेकेंड को, ये सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है, ये एंगल का यूनिट है, ये यहाँ पे टाइम से इसका कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज दिस दिस यूनिट विद टाइम, ओके। तो मैंने बेसिकली आपकी बुक से ही डायग्राम लिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे भी आपको एक पैरेलैक्स मेथड बताया था, ठीक है, तो सन यहाँ पर है, कोई एक स्टार मान लो, ये कोई स्टार यहाँ पर है, और ये यहाँ पे अर्थ है तुम्हारा,
अब अगर ये अर्थ के साथ ये वन सेकेंड एंगल बना रहा है, वन सेकेंड एंगल बना रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो वन सेकेंड एंगल बना रहा है, तो ये जो लेंथ होती है बेसिकली ये वाली जो लेंथ है हमारी, तो ये वन पार्सेक इस लेंथ को बोलते हैं। तो पार सेकेंड किसका लेंथ, किसका यूनिट है, पार सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। और ये लेंथ हम कैसे मेजर कर रहे हैं, जब अर्थ किसी भी स्टार के साथ वन सेकेंड का एंगल बना रही है। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको प्रीवियसली जो मेथड बताया था उसी मेथड से अगर अर्थ किसी भी स्टार के साथ वन सेकेंड का एंगल बना रही है, ठीक है, तो वो कितना, वो क्या हो जाएगा, वो जो डिस्टेंस है सन और स्टार के साथ का जो डिस्टेंस है वो पारसेक हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, तो अभी इसका चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आप लोगों को मालूम है एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, करेक्ट ना। अब हमें थीटा यहाँ पे पता चल गया, थीटा कितना है मेरा, वन सेकेंड। अच्छा, वन सेकेंड को आपको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वन सेकेंड को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा वन सेकेंड इन रेडियंस, एनीवन कोई बताना चाहेगा, वन सेकेंड रेडियन में कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ अगर बता सकते हो तो। तो वन सेकेंड जैसे आपको मालूम है वन डिग्री क्या होता है, देखो जिसको नहीं समझ में, देख लो वन डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वन डिग्री पाई बाई 180 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, वन डिग्री दिस मेनी रेडियंस। तो वन सेकेंड को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, वन सेकेंड डिग्री में कितना हो जाएगा, वन अपॉन 3600 डिग्रीज। और इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, करेक्ट, तो ये तो ये वाला जो एंगल है ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। हमें किसमें चाहिए एंगल, हमें रेडियन में चाहिए, मैंने रेडियन का सिंबल भी बना दिया है, हमें ये रेडियन में चाहिए, तो हमें यहाँ पे पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अभी मैंने बताया था आपको वैल्यू लिख के रखना उसके, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है, कितनी होगी, अभी हमने देखा था ना, तो 1.496 into 10 raise to 12 kilometers, yeah, no, I'm sorry, 1.49 into 10 raise to 8, I'm sorry for that, 10 raise to 8, ठीक है, 8 kilometers, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 3 कर दो, तो देख सकते हो 1.496 into 10 raise to 11 यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ, करेक्ट। अब वही अपना ये वाला जो कंसेप्ट है, नाउ लेट्स यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट अपना आर, हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं अभी यहाँ से। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए आर का जो वैल्यू है वो एस बाई थीटा हो जाएगा, अभी मैंने बताया था ना आपको R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R विल बी S बाई थीटा, तो S कितना होगा यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकली, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा हो जाएगा वन सेकेंड, ठीक है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखो कितना है, 1.496 इंटू 10 रेस टू 8, तो अगर हम यहाँ पे इसको किलोमीटर में ले रहे हैं तो अपना आंसर फिर किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है, अपॉन ये वाले वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.3600 इंटू पाई बाई 180 विच इज 1 सेकेंड, करेक्ट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ तो अपना मेरा, मैं आपको अपना आंसर एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ कितना आया था मेरा, 3.0857 इंटू 10 raise to 13 किलोमीटर आ रहा था मेरा, ठीक है। तो ये इतना किलोमीटर अपना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है, और इसको अगर आपको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, देखो इतने किलोमीटर आ गया, और मैंने आपको बताया था लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में कितना कितने किलोमीटर होते हैं, वन लाइट ईयर, दूसरे कलर से लिखते हो, चलो मैं
ठीक है, तो एक लाइट ईयर में, लाइट ईयर में कितने किलोमीटर्स होते हैं? 9.4607 × 10^12 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अभी अपना जो 1 पार सेकेंड, 1 पार सेकेंड इन लाइट ईयर्स कितना हो जाएगा? ये देखो ये कितना है, 3.0857 × 10^13 upon 9.4607 × 10^12। तो ये मैं थोड़ा क्लियरली लिखता हूँ, ये 13 है, पूरे मिट गया, ठीक है। तो ये दिस इज 10^13 है, ठीक है, ये 12। तो इसको जब आप आपके कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, तो मैंने सॉल्व करके रखा है, तो आई जस्ट पुट द वैल्यूज डायरेक्टली हियर। तो ये आता है आपको 3.2616 लाइट ईयर। मतलब नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर कोई स्टार 1 सेकेंड एंगल सबस्टेंड कर रहे अर्थ के साथ, तो उसकी दूरी कितनी होगी अर्थ से? उसकी दूरी होगी पृथ्वी से 3.2616 लाइट ईयर। और इसी 1 पार सेकेंड विच इज इक्वल टू 3.2616 लाइट ईयर, करेक्ट। तो ये बेसिकली पार सेकेंड जो है ये एक डिस्टेंस का यूनिट है। और ये किन किन टर्म से बने रहे? देखो पार किससे आ रहा होगा, पार पैरेलैक्स से आ रहा होगा, और सेक कहाँ से आ रहा होगा, सेकेंड से आ रहा होगा, करेक्ट। तो पार यहां से ले लिया, सेक यहां से ले लिया, तो पार सेक बन गया। तो पार सेक किसका यूनिट है? एब्रिविएटेड एज पीसी, दिस इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ, दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ।